जो पहले हुआ भाई यार इससे तो डर तो लगेगा ना यार। दोस्तों आज आप सोच रहे होगे कि हम दोनों भाई आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप लोगों को बता नहीं सकते जो सिचुएशन हमारे साथ बीत रही है ना। हमें पता है हमारे भाई आज हमारे साथ नहीं है। कैसे कहूँ आप लोगों को, सूर्य भाई की हालत इतनी खराब है जब से इस लोकेशन पे आए ना कुछ ना कुछ कांड हो रहा है हमारे साथ में। मतलब मुक्ति धाम है ये लेकिन सबकी मुक्ति होती है यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ जो चीज़ें यहाँ पे हुई है ना दोस्तों बहुत खराब हुई है। और सूर्य भाई के साथ जो यहाँ पे हुआ ना आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, इतनी मतलब इतनी बुरी हालत है। अगर उनकी हालत दिखाएंगे ना आप लोगों को, आपको खुद को रोना आएगा वहाँ पे। हमारा दर्द हम जान सकते हैं कि हमारा भाई के साथ जो हुआ है और जो भी चल रहा है उसके बारे में बता, मतलब भी नहीं सकते हम लोग। पूरी फैमिली दुखी है गाइस। मतलब सिर्फ यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमसे जो गलती हुई है क्षमा कर दो। और ये गंगा जल है हमारे साथ में ताकि हमारे साथ कुछ नहीं हो। सूर्य भाई के पास भी ये गंगा जल था लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इतना बुरा होगा ये नहीं सोचा था हम लोगों ने, कभी भी नहीं सोचा था। वो भी सोच सकते हैं नए बाद में हमारे साथ ऐसा होगा। भगवान ऐसा दुश्मन के साथ भी नहीं करे जो हमारे भाई के साथ हो रहा है अभी। भाई यार अगर भाई की तबीयत सबसे पहले सही हुई ना तो सबसे पहले उज्जैन की बोलते ना, सबसे पहले वहीं आएंगे हम। महाकाल का आशीर्वाद बस बना रहे भाई के साथ में, ये दुआ करते हैं। और भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मेरा ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सोच रहे हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। हमारे से जो गलती हुई है बस वो गलती की माफ़ी मांगने आए हैं हम। जल्दी जल्दी हमारे भैया को ठीक कर दो और बस सूर्य भाई ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चीज़ छोड़ देंगे, ये करना छोड़ देंगे, लेकिन भाई बस वो भाई ठीक हो जाए। यहाँ हमेशा दो लोगों का वास होता है, एक महादेव का वास होता है, एक मुसाने वेरू जी का वास होता है। दोनों से हमने माफ़ी मांगी है, तो जो भी गलती हुई है उनसे या हमसे किसी से भी प्लीज माफ कर दें।
टच मत करना यार, टच मत करना यार भाई किसी भी चीज को यार। भाई पत्थर आए पिछली बार, हमने मतलब अंदर आए थे पूरा, मतलब कुछ किया भी नहीं था उससे पहले, मतलब ऐसी चीजें हुई थी हमारे साथ में। दूर रह से देखी थी वीडियो जो थी, भैया कोई तो है यार, ये चीज देख रहे हो भाई यार, छुओ मत यार किसी भी चीज को, रहने दो यार, लास्ट में जो चीजें होती है ना भाई, भाई ये चीजें हिल रही है यार, ये अभी हिला ऑटोमेटिक हिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, बोल रहा हूँ छुओ मत यार किसी भी चीज को यार, ये चीज देख रहे हो आप, लास्ट गंध बंधन होता है इंसान का, लास्ट गंध बंधन ये इस चीज से काटा जाता है। ओए यार वो घुमा भाई, सूरज वो घुमा, उसमें रोटेशन हुई अभी, हम यहाँ पे एक्टिविटी दिखाने नहीं आए, यहाँ कुछ करने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पे माफी मांगने आए हैं यार। क्या है यार भाई, ये रेगुलर ही हिल रहा है यार, क्या है यार ये, बस बोल रहे ना आप रक्षा कर दो। यार भाई आवाज आ रही है यार, हमसे जो गलती हुई उसको माफ कर दो आप, लास्ट टाइम में आके हमको यही मिलना है। भाई दीपू भैया यार ये लकड़ियां रक्षा करना हमारी टीम की, जय हो जय हो साहब, जय श्री महाकाल, मुसाने भैरव की जय हो। दोस्तों बस माफी मांगना है जो हमारे भाई के साथ जो हुआ है, जल्दी जल्दी ठीक कर दो, अगर कोई हमसे कोई गलती हुई है, हमारे भाई से गलती हुई है तो हमको माफ करो, तो मेरे भाई को जल्दी जल्दी ठीक कर दो, बस यही। यार ये चीज़ भाई, हमने पिछली बार जब आए थे ना तो हनुमान चालीसा भी यहाँ पे पड़ी थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ था, आज भी जो यहाँ पे चीजें हैं तो बाहर से बंद कर दिया ना, बंद अंदर से बंद कर, ये चीज़ बहुत खराब है आप लोगों को, जो राजस्थान वासी है उनको सब सबको पता है कि ये चीज़ क्या होती है, इसको हाथ लगा रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती है मेरी, लेकिन राजस्थान वाले जानते हैं उनको सबको पता है कि ये चीज़ क्या है, ये जो चीज़ें हैं क्या है, चले यार चलो
भाई।